election. का चेहरा है, मोदी का है, उसका असर देखने को मिलता है. That is going to make us a developed country with the with Modi guarantee, with Prime Minister Modi's leadership. And who's going to do it? Eventually, the first start is the voter itself. आप मतदाता ही निर्माता हैं न भारत के, और मोदी की गारंटी है कि हम विकसित भारत में रहेंगे. One more question about Rajasthan. You know, this is for the first time we see an entirely new leadership in Rajasthan. Do you think somewhere this is also a test for your leadership, your government, which is now actually the state government, because you're also minister in this government? Yes, undoubtedly the responsibility that we all carry, all ministers, the government, the officers, the bureaucracy, everyone. It's a very important responsibility, and we will deliver. तो आप कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुन रहे थे. मोदी की गारंटी और विकसित भारत को लेकर उन्होंने जिक्र किया, कहा कि अगर उसको कोई पूरा कर सकता है तो अनडाउटली कोई और नहीं. और ये देखिए तस्वीर आ गई है अलवर की, जहां पर बालकनाथ जो कि विधायक हैं, मौजूदा सांसद थे और सांसदी के बाद उनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया था. बालकनाथ की तस्वीरें हैं जहाँ पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. अलवर में इस बार भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की किस्मत दांव पर लगी हुई है. बिल्कुल, तो ये आपको एक एक करके तमाम बड़े चेहरे राजस्थान के. ये प्रियंका बालन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट तो किया. ये श्रीगंगानगर की तस्वीर है. प्रियंका बेलान जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, हाँ। उनका पहला चुनाव है और हाँ। बेहद कम उम्र में भरोसा इन पर जताया गया था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 2013 के दौरान, लेकिन उस वक्त इनकी उम्र नहीं हुई थी. और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट इन्हें दिया है. कन्हैया लाल मीणा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही दिलचस्प ये, क्योंकि दौसा की तस्वीरें. कन्हैया लाल मीणा एक तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा, जो कि 3 बार से विधायक रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को जानते हैं. तो बहुत सोच समझकर अपना कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा, लेकिन कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में आपने दौसा में देखा था रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया था. उस गाड़ी को जो रथ की तरह बनाया गया था, रोड शो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का था. और उसके बाद दौसा में आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी रोड शो हुआ, तो माहौल बिल्कुल टाइट बनाने की कोशिश की गई. कन्हैया लाल मीणा को आप देख रहे हैं जहां पर उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद सेल्फी भी खिंचवाई, बताया दिखाया. 1.5 घंटे मतदान हो चुके हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से नागौर से अलवर में बाबा बालकनाथ ने अपना वोट कास्ट किया है. हमने आपको बताया था प्रियंका बेलान जो है अब वो पहुंची थी श्रीगंगानगर में अपना वोट डालने के लिए, उन्होंने भी वोट डाला है. नागौर में भी इस बार मुकाबला कड़ा, हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ केंद्र के मुद्दों को लेकर के भी लगातार बात हुई है. तो अलग अलग जगहों से जो अपडेट आ रही है और बालकनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं. वो हम सुनवाएंगे हेमंत, लेकिन उसके पहले देखिए नागौर का जिक्र कर रहे थे, दाढ़ी मूछो तक आ गई क्योंकि खुला चैलेंज उस मंच से दिया कि अगर इस बार जीत कर आती हैं, संसद में पहुंचती हैं, तो ज्यादा अटेंडेंस उनकी होगी, पिछली बार के हनुमान बेनीवाल से ज्यादा. नहीं होती है तो अपने बाल मुड़वा लेंगी, और या अगर होती है तो पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल से ज्यादा अटेंडेंस थी. हनुमान बेनीवाल ने उन पर निशाना साधा था, लेकिन उन्होंने बताया था कि अटेंडेंस उनकी ज्यादा अच्छी थी, और अगर फिर से जीतेंगी तो फिर से उनका जो. आपको कन्हैया लाल मीणा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं. आज राजस्थान का ये परम सौभाग्य है कि देश के विकास में माइक पीछे आज राजस्थान की एक अलवर सीट भी है, इसमें और भी बाकी सीटों का जो पहला मतदान है 2024 के मतदान का, लोकसभा 18वीं लोकसभा के चयन का, और ये हमारा सौभाग्य कि इस पहले मतदान के दिन आज हम सब ने उत्साह के साथ में इस बात का आगाज किया है कि आने वाले समय पर देश में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, और फिर से मोदी सरकार बनने के साथ में देश की जनता के विकास को और भी गति से आगे बढ़ाएगी. और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि न केवल अलवर, अभी तो जो हमारे राजस्थान की जितने भी सीटों का आज मतदान है उनमें सब में उत्साह के साथ में हमारे मतदाता बंधु देश के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देश के प्रति अपना योगदान देंगे, देश को आगे ले जाने में. और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की एक एक सीट को विजयी बनाने का कार्य करेंगे. राम मंदिर की स्थापना के साथ अब एक अच्छी नई शुरुआत शुरू हुई, और जानने की भी इस तरीके की अच्छी सफाई आई थी. पहले भी डाल रखा है, बीच में जयपुर लगता था, उससे पहले कुचेरा लगता था, अब क्योंकि नागौर में मकान ले लिया है तो नागौर पे. ओके, तो मतदान के बाद अब क्षेत्र में घूमने का कार्यक्रम रहेगा?
कुछ जगहों पे देखना चाहूँगी मैं जाकर के, पर मोटा मोटी मैनेजमेंट का काम है, तो बेहतर होगा कि एक जगह बैठ के कहीं जगह सिग्नल होता है कहीं नहीं होता, कहीं से अगर कोई शिकायत आती है तो उसको हैंडल करना आसान होता है। बाबा बालकनाथ को भी सुना और ज्योति मिर्धा को भी आप सुने, एक तरफ 400 का भी वादा किया गया, राम मंदिर का भी जिक्र किया गया। अलवर की बात करें तो भूपेंद्र यादव और ललित यादव, इस बार चुनावी दिलचस्प फाइट है। और अगर हम नागौर की बात करें तो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा, हालांकि इस सीट पर भी संशय था कि गठबंधन के तौर पर कांग्रेस उतारती है या नहीं उतारती है। यहां पर भाई और भाया के वार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस सीट पर देखने को मिला, और ये दिलचस्प मुकाबला क्योंकि सुबह 7 बजे से ही मताधिकार